नमस्कार दोस्तों, मैं उज्जवल और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला एंड पाठशाला रेलवे एग्जाम्स में। दिन की शुरुआत करेंगे करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन है जेमेस रोडगिरी, लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, गृथ बेल। इस क्वेश्चन का जवाब जानेंगे, उसके पहले दिन की ताज़ा खबरों के साथ रूबरू होंगे। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है मैंने, अगर कोई और सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। दिन का टारगेट है हमारे 500 लाइक का। 500 लाइक जब तक रीच नहीं कर जाते तब तक टारगेट वहीं तक सेट करते हैं और मेहनत करते रहते हैं। तो दिन की शुरुआत करेंगे कोट ऑफ द डे के साथ। द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। जो कोट है वो आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर आप महसूस कर रहे हो कि आज के दिन पे आप स्ट्रगल में हो, तो इस बात को समझिएगा कि ये ही आपको स्ट्रेंथ देता है ताकि आप अपना बेहतर भविष्य जो है बना सको। तो इसी विचारधारा के साथ दिन की करंट अफेयर पे मूव करते हैं और ये थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है। पहला क्वेश्चन है, ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? ग्रेट लर्निंग एक ये एडिटर कंपनी है, बेसिकली ये AI पे काम करती है, मशीन लर्निंग पे काम करती है और बेसिकली जो वर्ल्ड वाइज यूनिवर्सिटी है PG के लिए लोगों को वहाँ पे एडमिशन और दाखिला दिलाने के लिए एक मुहिम की तरह काम करती है और जो हमारे युवा हैं उनको सही समय पे सही तरीके से कैरियर चुनने में मदद करती है। तो इन्होंने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना हुआ है। तो थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं कि विराट कोहली क्या करने वाले हैं। कोहली जो है इस ब्रांड के लिए इनका एक अभियान है, पावर अहेड नाम से एक अभियान चलाया है। इसी को क्या करेंगे, इसी का नेतृत्व करेंगे और ब्रांड एम्बेसडर होने का मतलब यह है कि इस कंपनी के प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी विराट कोहली के फेस को लेके है। आप में से सब लोग जानते हैं कि हम इन जनरल किसी को नहीं देखेंगे सुनेंगे, लेकिन अगर विराट कोहली बोलेंगे तो हम विराट कोहली को जरूर सुनेंगे और समझेंगे। तो बेसिकली ये जो गेट लर्निंग प्लेटफॉर्म है एक एडटेक कंपनी है। एडटेक कंपनी का मतलब है कि इस तरीके की कंपनी जिसमें एजुकेशन इन्वॉल्व हो, जिसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो, दोनों को मिक्स करते हैं और फिर हम लोगों के पास लेके जाते हैं। तो ये AI पे, हिंदी में इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं, और मशीन लर्निंग पे बेस्ड है। मशीन लर्निंग को इंग्लिश में मशीन लर्निंग ही बोलते हैं। इसके बाद अगले न्यूज़ की तरफ मूव करेंगे। हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? ये हमारा पहला ही क्वेश्चन था। तो लियोन मेसी बन गए हैं। लियोन मेसी ने जो है इस बार इतनी सही कमाई की है कि फोर्ब्स में इनको पहला रैंक मिला है। इसके पहले रोनाल्डो जो है पहले स्थान पे थे, इनको इन्होंने रिप्लेस कर दिया। अब रोनाल्डो दूसरे स्थान पे आ गए और मेसी पहले स्थान पे आ गए हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कितना कमाया। इस साल इन्होंने $126 मिलियन कमाया है। $92 मिलियन इन्होंने सिर्फ अपने सैलरी से कमाई है और $34 मिलियन जो डॉलर है वो इन्होंने एंडोर्समेंट से कमाया हुआ है। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसके पहले पहली रैंक पे थे, अब ये खिसक के जो है दूसरे स्थान पे आ गए हैं। तीसरे स्थान पे नेमार तीसरे पायदान पे जो है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले जो है फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। तो फोर्ब्स में जगह बनाना और पहली रैंक बनाना बहुत बड़ी बात होती है और ये बार्सिलोना क्लब के कप्तान हैं। याद रखिएगा, ये बार्सिलोना क्लब के कप्तान हैं। आपके लिए जो है एक आसान सा सवाल जो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बोलना है, किस देश के लिए खेलते हैं ये? बहुत आसान है, कई बार डिस्कशन हो चुका है, राहुल सर ने बताया होगा, मैंने बताया। नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, थोड़ा अपनी जो याददाश्त है वो तरोताज़ा करते रहा कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं इस तरीके के क्वेश्चन कंटिन्यूअस पूछता रहूँगा और कमेंट सेक्शन में जितना आप मेंशन करेंगे उतना ही आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। अगला क्वेश्चन है, इंजीनियर दिवस के अवसर पर डाक विभाग द्वारा भारत के पहले डैश के नाम पर एक स्वनिर्धारित डाक टिकट जारी किया गया है। तो ऑप्शन आपके एंटी सैटेलाइट मिसाइल, इसी के नाम पे एक डाक टिकट जारी किया गया है। थोड़ा सा हमें जानना होगा कि ये जो ए सेट है वो है क्या, किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेंगे कि ये है क्या। अभी क्या है, जो इंजीनियर दिवस है इस पे क्या है कि जो हमारा डाक विभाग है इन्होंने एक डाक टिकट जारी किया है। क्या किया है, स्वनिर्धारित डाक टिकट जारी किया है। किसके नाम पे? एंटी सैटेलाइट मिसाइल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ए सेट बोलते हैं। ये डीआरडीओ ने 27 मार्च 2019 को ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका जो है सफल परीक्षण किया था। ये क्या है, एक तरीके का जो है मिसाइल है। क्या है, एक तरीके का एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। ये क्या काम करती है, जब इसका परीक्षण किया गया है तो एक बार समझिएगा कि ये जो अर्थ के कई सारे ऑर्बिट होते हैं तो सबसे निचले ऑर्बिट में जो है इसको स्थापित किया जाता है और इसका एक टारगेट रहता है कि किस समय ये काम आएगा। ये हिट टू किल के लिए काम आएगा। हिट टू किल का मतलब होता है अलग अलग तरीके की मिसाइल होती है, अलग अलग तरीके का काम होता है, लेकिन इस मिसाइल का काम है कि जहां पे ये दागा जाएगा उसको पूरी तरीके से इसको विनाश करना होगा। इसी वजह से इसका नाम जो लिया गया है हिट टू किल दिया गया है। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको याद रहेगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा एयरपोर्ट यूके आधारित एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विस फॉर्म स्काईट्रैक से COVID-19 फाइव स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया। पहले तो क्वेश्चन को समझिएगा, पूछ रहा है कि कौन सा एयरपोर्ट है, मतलब आपको एयरपोर्ट का नाम बताना है
जो एक कंपनी है स्काई ट्रैक्स, ये कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी आपकी यूके आधारित है, और ये क्या काम करती है? एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विसेज को लेके, मतलब बेसिकली काम करती है, एक फॉर्म है ये जो रेटिंग देने का काम करती है। इन्होंने रेट किया है एक एयरपोर्ट को, कोविड-19 के पैरामीटर को लेके 5 स्टार रेटिंग दिया हुआ है, और ये नाम है फ्यूमसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब हम जाने की कोशिश करेंगे कि ये एयरपोर्ट है कहाँ का है। ये एयरपोर्ट बेसिकली इटली के रोम का है। कहाँ का है ये? इटली के रोम का है फ्यूमसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और शॉर्ट में इसको एफसीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफसीओ बोलते हैं। सो स्काई ट्रैक जो यूके आधारित एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विस फॉर्म है, इन्होंने कोविड-19 के अलग अलग पैरामीटर पे इस एयरपोर्ट को जांचा और पाया कि भाई इसको 5 स्टार रेटिंग देने लायक है। तो ये एयरपोर्ट अब 5 सितारा हो गया, और दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो 5 सितारा एयरपोर्ट बना हुआ है। सो इटली के सबसे बेस्ट हवाई अड्डे एफसीओ को लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। तो ये नाम भी आपको याद रखना है कि इसका एक दूसरा नाम है लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके लिए, ये नाम क्यों फेमस है? अभी हमने आपसे डिस्कशन किया है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ये नाम किस लिए फेमस है। आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो कानों को जो है थोड़ा सा फर्राइए, हाथ को निकालिए, गूगल पे जो है सर्च टैब में जो है थोड़ा सा उंगलियों को चलाइए, वहाँ पे मिलेगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि लियोनार्डो क्यों फेमस है। लियोनार्डो दा विंची बहुत फेमस नाम है, लगभग हर आदमी जानता है, ठीक है? तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है एफसीओ को। कोविड की जो रेटिंग दी गई है, ये कुछ पैरामीटर है, जैसे किस तरीके से वो जांच कर रही है कोविड का, किस तरीके के हाइजीन है, क्या निगरानी का जो है तरीका है यहाँ पे, इन सब पैरामीटर्स पे इसको 5 स्टार रेटिंग दी गई है। कहने का मतलब है यहाँ का जो कोविड-19 के टेस्टिंग है वो उम्दा है, जो हाइजीन मेंटेन करने का काम है वो उम्दा है, किस तरीके से ये परीक्षण करते हैं, किस तरीके से सामंजस्य अपने बीच में बैठाते हैं, वो यहाँ का बहुत उम्दा रहा है। तो ये नाम जो है एफसीओ का आपको हमेशा याद होना चाहिए, इटली के रोम का ये जो है एयरपोर्ट है। और संबंधों को सामान्य बनाने के लिए इजराइल के साथ किन दो खाड़ी देशों ने ऐतिहासिक अब्राहम समझौता पर हस्ताक्षर किया है? अब्राहम समझौता क्या है, इसके विषय में जानेंगे। लेकिन उसके पहले क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि कौन से तीन दो जो है देश अब्राहम समझौता के अंतर्गत आए हैं। एक नाम तो आपको यहाँ साथ साथ दिखाई दे रहा है, इजराइल, और दो बाकी के नाम आपको ऑप्शन से चुनने हैं। तो बहराइन एंड यूएई, ये दो देश और थे इसराइल के साथ जो अब्राहम समझौता के अंतर्गत आए हुए हैं। तो थोड़ा सा जानेंगे अब्राहम समझौता के विषय में। तो हाल ही में खाड़ी क्षेत्रों के दो देश बहराइन और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने इसराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड पर हस्ताक्षर किए हैं। अब्राहम एकॉर्ड इसराइल और अरब देशों के बीच पिछले 26 वर्षों में पहला शांति समझौता है। 26 साल से लेके अभी तक जो वार चलते रहे हैं, जो कहा सुनी, जो तनातनी चली है, उसके बाद 26 साल में ये पहला समझौता है जिस पे साइन किया इन लोगों ने। इस समझौते के अनुसार यूएई बहराइन द्वारा इसराइल में अपने दूतावास स्थापित करेगी। क्या है? यूएई और बहराइन द्वारा इसराइल में दूतावास अब नहीं बनाएगी, और इसके साथ पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य, सुरक्षा सहित कई और क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने पर काम करेगी। 13 अगस्त 2020 को इसराइल यूएई शांति समझौते की घोषणा के बाद 11 सितंबर को बहराइन इसराइल समझौते की घोषणा हुई थी। 13 अगस्त 2020 को देखो एक समझौता हुआ था, इसराइल यूएई शांति समझौता हुआ था, उसके बाद 11 सितंबर को बहराइन इसराइल समझौता हुआ था। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसराइल यूएई समझौता कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अगस्त 2020 को, और 11 सितंबर को जो है 2020 के ही बहराइन इसराइल समझौते पे हस्ताक्षर हुआ था। तो तीन देश क्या है, तीन देश ये जो है आए हैं समझौते में, शांति समझौते में। नाम याद रखना चाहिए आपको, इसराइल, यूएई और बहराइन। और अगला क्वेश्चन है, कोसी रेल महासेतु के निर्माण होने से 298 किलोमीटर की दूरी मात्र कितने में सिमट गई है? 22 किलोमीटर में सिमट गई है। थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि ये है क्या, ये कोसी रेल महासेतु है क्या। कोसी नदी का नाम है, आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये नदी के ऊपर जो है एक आपका सेतु बना हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, आज मतलब 17 तारीख को, जरिए कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी बिहार के लाभ के लिए यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित 12 रेल अतिरिक्त रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। एक बात तो आपको ये समझना है कि ये जो रेल सेतु बना हुआ है, ये 2003-2004 में स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखिएगा, 2003-2004 में स्टार्ट किया गया था। उस वक्त लागत 323.41 करोड़ रुपये रखी गई थी, लेकिन आपको पता है इतने में तो पूरा होती नहीं, तो अल्टीमेटली 516 करोड़ रुपये जो है इस पर खर्च हुआ था। तो सरायगढ़ निर्मला के बीच पहले जाने के लिए और
सहरसा, मानसी, खगड़िया, समस्तीपुर, दरभंगा होते हुए निर्मली जाना पड़ता था, जिसकी दूरी 298 किलोमीटर थी। कहने का मतलब है कि रास्ता बहुत घुमा फिरा के अलग अलग स्टेशन के थ्रू जाना पड़ता था। अभी क्या किया है, ये पहले क्या था, ये पहले जो है 298 किलोमीटर जहाँ जाना था, अब ये क्या हो गया, अब ये छोटी सी दूरी, मतलब ये मान लो यहाँ से 22 किलोमीटर की डिस्टेंस जानी थी भाई साहब, तो आप समझिए यहाँ से यहाँ के बीच में, तो पहले हम ऐसे 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 घूमते थे नदी नहर पार करके, फिर ऐसे करके फिर यहाँ पहुँचते थे। अभी क्या हुआ कि ये सेतु बन जाने से हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुँच पा रहे हैं सिर्फ 22 किलोमीटर में। मतलब समझ रहे ना कि वहाँ के लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए SIDBI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये किया आपके राजस्थान सरकार ने, राजस्थान सरकार ने SIDBI के साथ मिल के समझौता ज्ञापन पे शामिल किया है ताकि लघु और मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं उनको और बेहतर बनाया जा सके। तो राजस्थान सरकार ने राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME जिनको बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर साइन किया है। इस समझौते ज्ञापन के अंतर्गत राजस्थान का जो उद्योग विभाग है और SIDBI राज्य में जितने भी MSMEs हैं उनका वित्तीय, तकनीकी, विपणन और निर्यात, इस सभी तरीके की सहायता बनाएंगे और वहाँ के जो लघु उद्योग हैं, जो मीडियम साइज इंडस्ट्रीज है, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और एक कंसेप्ट आता है नवीन क्लस्टर, ये सारा का सारा इसी विचार पर आधारित है कि नवीन तरीके का क्लस्टर बना के जो है ये पूरा का पूरा जो उद्यम है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? ये है 121.7 किलोमीटर। कितनी है? 121.7 किलोमीटर। डिटेल जानेंगे अभी। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 121.7। हरियाणा से आपको याद रखना है कि 121.7 किलोमीटर की है। अगर थोड़ा सा डिटेल चलेंगे तो फिगर है, फिगर में कुछ समझ में नहीं आएगा। ये उसका एक रोड मैप है, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, इसमें बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है। तो 121.7 किलोमीटर की जो है लेंथ है और 5617 करोड़ की जो है क्या है लागत है इसमें, और नंबर ऑफ स्टेशन 14 हैं, 3 एग्जिस्टिंग हैं, 14 नए हैं, और स्पीड जो है पोटेंशियल इस पर कितनी रह सकती है, 160 किलोमीटर की पोटेंशियल स्पीड रह सकती है। तो थोड़ा डिसाल में समझने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पलवल से सोहना, मानेसर, खरखौदा होते हुए सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को अपनी मंजूरी दी है। यह परियोजना हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड HRIDC द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। देखो हर जगह का, हर स्टेट का अपना जो है क्या होता है, रेल जो है, रेल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है। तो हरियाणा की रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, वहाँ की संस्था है जो परियोजनाएं रेल से लेते हैं। तो 5617 करोड़ रुपए इसमें खर्च करने वाली है। तो हरियाणा जो है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की कुल लंबाई 121.7 किलोमीटर है, जैसा मैंने आपको बताया था। रेल लाइन पलवल से शुरू होकर मौजूदा हसाना, काला स्टेशन, दिल्ली अम्बाला खंड पर समाप्त होगी। यह परियोजना मौजूदा पातली स्टेशन, दिल्ली रेवाड़ी लाइन पर, सुल्तानपुर स्टेशन, गढ़ी हरसरू फरूखनगर लाइन पर और असौद स्टेशन, दिल्ली रोहतक लाइन पर के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। ये तीन डिफरेंट टाइप की लाइन्स है जिसके लिए कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली है। कहने का मतलब है कि रूट को शॉर्ट करने के लिए परियोजनाएं बनाई जाती है ताकि जितनी भी लंबी यात्राएं हैं उन यात्राओं को छोटा किया जा सके। तो कुल मिलाकर के जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना है वो सिंपल से यही आने वाला है कि ये जो यूनियन कैबिनेट है हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरपोरेशन को अप्रूव किया हुआ है और कितने किलोमीटर का है ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 121.7 किलोमीटर है और आपका जो है 5617 करोड़ रुपए का, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपका ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा और बहुत डेप्थ में हो गया तो कितने स्टेशन हैं, तो 14 नए हैं, 3 एग्जिस्टिंग हैं, मतलब टोटल मिला के 17 हो गए। और कितना पोटेंशियल स्पीड है, अब बहुत डेप्थ घुसो, और डेप्थ घुसो तो ये भी और डेटा पूछा जा सकता है। 160 किलोमीटर पर आवर ये मैक्सिमम स्पीड हो सकती है ट्रेन की जो उस कॉरिडोर पर रन करने वाली है। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी है? मेरे को तो ये क्वेश्चन पढ़ के ही बड़ा अजीब सा हंसी आता है। वैसे तो इसका जो जवाब है वो 30% जो है अपनी वो सैलरी कट करने वाले हैं, और आप भी बहुत समझदार हैं, हम भी बहुत समझदार हैं। सैलरी होती कितनी है आपको भी पता है सांसदों की, 30% काट देंगे, असली कमाई कहाँ से आती है? सब समझदार हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक विधेयक पास किया गया है लोकसभा में, ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि 30% जितने भी MP हैं इनकी सैलरी काट दी जाएगी, और काटने के बाद COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए वो सारा का सारा जो पैसा है वो एलोकेट किया जाएगा ताकि कोविड से लड़ सके। और आपको भी पता है कि अगर 30% सैलरी काटेंगे भी तो कितने काट देंगे,
नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कितने सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के, सभी सदस्यों की जो 30% सैलरी अगर कट होगी तो कितना अमाउंट बनेगा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन बनाइए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे कि ये 30% अगर कट होगा तो कितना पैसा कट होगा। इसके अलावा थोड़ा सा और न्यूज है, ठीक है। अब एक बात समझिए कि जो सांसदों का वेतन जो 30% कटेगा वो एमपी लैंड फंड 2 साल के लिए निलंबित होगा। एक साथ ये है कि ये कटने के साथ साथ एमपी लैंड फंड एक होता है उसको भी उन्होंने काट रखा है। तो मौजूदा का विधेयक जो है इससे संबंधित सदस्य संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन अध्यादेश 2020 के स्थान पर लाया जाएगा। ये एक पुराना अध्यादेश था और ना कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन अब इन्होंने ये किया तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन यही जो क्वेश्चन बना है वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने परसेंट सैलरी कट हुई है। 30% सैलरी कट हुई है। तो संसद सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन अधिनियम 1954 का एक अधिनियम था जो स्टार्टिंग में बना दिया गया था, ये उसी को संशोधन करके लाया जाएगा कि भाई साहब अब हम सांसदों की जो सैलरी है वो 30% कम देंगे। और कहने के लिए बहुत सराहनीय, आपको भी पता है कि क्या खास रोल होने वाला है। अगर हमारे सारे सांसद बहुत ईमानदार और ऑनेस्ट होते, कोई ब्लैक मनी करप्शन ना होता तो बहुत बड़ी बात थी, और हम मानते हैं हमारे नेता हैं, ठीक है। एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? जेन फिशर, टेकियो कोनिशी, समीर कुमार खरे, राजेश खुल्लर, ये दो नाम आपको याद है, कल वाली क्लास में अपन ने डिस्कस किया, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। और एशियाई विकास बैंक द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर चुना गया है? टेकियो कोनिशी, ये नए डायरेक्टर जो है चुने गए हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इनके विषय में भी। एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा टेको कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। कोनिची योको यामा की जगह लेंगे, ये एक नाम है, कोनिची योको यामा। पहले जो इंडिया के कंट्री हेड थे वो क्या थे? कोनिची योको यामा। अब कोनिशी है ये इनका जो है स्थान लेने वाली हैं। अब जो है ये कोनिची योकोयामा है, ये क्या हुए हैं, ADB के दक्षिण एशिया विभाग में शिफ्ट कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या है, महानिदेशक के पद में है, मतलब ये कंट्री हेड से हटा के दक्षिण एशिया के महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है, और कोनिशी को इनका जवाब मतलब जगह दिया गया है कंट्री हेड के फॉर्म में। तो भारत ADB का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है। ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका चौथा बड़ा शेयर धारक है, और साथ में जो है 2010 के बाद सबसे उधार लेने वाली कंट्री भी है। दोनों बातें, इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर है और सबसे ज्यादा जो है कर्ज इसने ही लिया हुआ है 2010 के बाद ADB से। इसके बाद थोड़ा सा जान लेंगे, ये देखो यार अपन ने कल डिस्कस किया था, अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की, जो कि मनीला में है, और ये समीर कुमार, ये हमने डिस्कस किया था समीर कुमार खरे कल की क्लास में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट वर्ल्ड बैंक राजेश खुल्लर हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट फीमेल सीईओ ऑफ सिटी ग्रुप याद होगा, जेन फ्रेशर, ये नाम है जो हमने कल डिस्कस किया था, तो ये रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए। इसके बाद अगला जो है क्वेश्चन है, टाइटन कंपनी ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च किया है? भाई साहब अलग अलग तरीके का पे, गूगल पे, टाइटन पे, सुन सुन के थक गए होंगे। अब ये भाई सब आगे चल रहा है तो टाइटन वाले क्यों पीछे रहेंगे? इन्होंने अपने घड़ी में ही टाइटन पे लगा के दे दिया है, कॉन्टैक्टलेस, मतलब आपको टच ही नहीं करना फिर भी पे हो जाएगा। ये जो साथ में मिलकर काम करने वाले हैं वो SBI बैंक के साथ मिलकर काम करने वाले हैं, और जो लिमिट है वो 2000 रुपये की है। 2000 रुपये तक कोई भी आपको पासवर्ड वगैरह नहीं पूछेगा, 2000 रुपये जो है इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ लेते हैं एक बार। टाइटन कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक SEBI के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च किया। अब भाई घड़ी में अगर पे टाइटन पे करके नाम आएगा तो पहले ही होगा, बट ऑब्वियस बात आपको याद भी रहना चाहिए, SBI खाताधारक भुगतान करने के लिए टाइटन पे घड़ी को संपर्क रहित भुगतान, संपर्क रहित मतलब उसे टच नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। POSB मशीन पर टैप कर सकते हैं, यह YONO SBI द्वारा संचालित है। इस तकनीकी के जरिए ग्राहक RBI के दिशा निर्देशों के तहत बिना पिन डाले हुए 2000 रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं। टैपी टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित एक सुरक्षित प्रमाणित नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC चिप को वॉच स्ट्रैप में लगाया गया है। इसके अंदर एक चिप लगाया गया है, और इससे क्या है सुरक्षित तौर पर भुगतान हो जाता है। और इसकी जो कीमत रखी गई है 2995 और 599, दो सेगमेंट निकाले गए हैं, एक है 2995 और एक है 5995। इसको सीधे आप समझो ऐसे 3000 रुपये में 5 कम, इसको 6000 रुपये में 5 कम, ये बेवकूफ़ बनाने के बड़े तरीके होते हैं, ये इस तरीके का है, ठीक है। और इसके पुरुषों के लिए 3 तरीके के मॉडल और महिलाओं के लिए 2 तरीके के मॉडल निकाले गए हैं। देखो यार यहीं पे भाई पार्सलिटी होती है, अरे पुरुषों के लिए 3, महिलाओं के लिए 2 क्यों,
थोड़ा ज़्यादा निकलना चाहिए था ना। चलिए ये तो जोक सपाट हो गया, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा राष्ट्र पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता जेद्दा संशोधन में शामिल हो गया है? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया। तो इंडिया शामिल हो गया है। चलिए थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं। इंडिया ज्वाइन जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट एज ऑब्जर्वर। भारत पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता जेद्दा संशोधन DCOC/JA में शामिल हो गया। एक तो नाम ही इतने अजीब होते हैं यार कि अगर रात को क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो तो पानी टंग ऐसे स्लिप हो रही हो, और नाम भी कई बार तो इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत या तो हिंदी पढ़ने में दिक्कत होने लगती है। भारत के अलावा जापान, नॉर्वे, यूके और यूएस ये भी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हैं। जिबूती आचार संहिता के लिए जेद्दा संशोधन 2017 अपनाया गया था। अस्थायी आर्थिक विकास और समृद्धि का समर्थन करने में नीली अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है। भाई ये जो जिबूती आचार संहिता है ये क्या है, जेद्दा संशोधन 2017, एक संशोधन आया था 2017 का, ये अपनाया गया है, जिसमें क्या है, अस्थायी आर्थिक विकास है, समृद्धि का समर्थन है और नीली अर्थव्यवस्था। नीली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, नीला क्या होता है, दिमाग लगाइए, जरा ब्रेन लगाइए। नीला होता है आपका समुद्र का पानी, तो समुद्र के द्वारा जो भी व्यापार चलता है उसको नीली अर्थव्यवस्था का नाम भी आप देते हो। तो वहाँ पे स्थायी आर्थिक विकास को और समृद्धि का समर्थन करने का काम मेन बात है इस संहिता के द्वारा होना है। तो थोड़ा सा और जान लेते हैं जिबूती आचार संहिता को लेकर। इसकी स्थापना जनवरी 2009 में हुई थी। यह लाल सागर, अदन की खाड़ी, अफ्रीका के पूर्वी तट और हिंद महासागर क्षेत्र में द्वीप देशों से सटे देशों का समूह है। अब ध्यान से देखिएगा, लाल सागर, अदन की खाड़ी, अफ्रीका के पूर्वी तट और हिंद महासागर क्षेत्र में द्वीप देशों के सटे देशों का यह समूह है जिबूती आचार संहिता। सदस्य इसमें कितने हैं, सदस्य इसमें 20 हैं। इसका जो उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर में समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करना है और वहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है और सारे के सारे जो देश हैं उनके बीच में आपस में व्यापार, आपस में संबंध और मधुर हो सके। तो ये 20 देशों का बेसिकली एक समूह बनाया गया है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व स्तर पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये 17 तारीख को मनाया जाता है। मैं इन डेट्स को रिवाइज कराता हूँ, तब तक दिमाग में आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। और 17 तारीख को ही अनएम्प्लॉयमेंट डे, बेरोजगार दिवस भी मनाया जाता है। तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को मनाया जाता है। और 2020 का जो विषय था हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये विषय रखा गया, ये थीम रखी गई है। आपके एग्जाम में कई बार थीम पूछा जाता है कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे का जो है थीम क्या था, तो हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट्स, ठीक है। अब 14 सितंबर को हिंदी दिवस आप सभी लोगों को पता है मनाया जाता है। 15 दिवस को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, थीम जो थी 2020 की कोविड-19 स्पॉट लाइन ऑन डेमोक्रेसी थी। और नेशनल इंजीनियर्स डे भी 15 सितंबर को मनाया जाता है। 16 तारीख को मैंने डिस्कस किया था इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर था, थीम जो था ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ये थीम था जो इसके प्रीवियस क्लास में अपन लोगों ने डिस्कस किया था। तो होप सो रिवाइज करके आपको दोबारा रिकॉल हो जाए। डॉक्टर कपिला वात्सन्य जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थी, कला, राजनीति, खेल या फिर चिकित्सा से? ये कला से संबंधित थी। थोड़ा सा इनके विषय में जान लेते हैं, कपिला जी के विषय में। ये इनका खूबसूरत सा चेहरा है, आप में से बहुत सारे लोग शायद ना जानते हो और बहुत सारे लोग इनको जानते हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की ये संस्थापक रही हुई हैं और यहाँ की डायरेक्टर भी थी। संसद की पूर्व सदस्य भी रह चुकी हैं और उन्होंने शिक्षा सचिव के फॉर्म में काम किया था, इस रूप में काम किया था। सो डॉक्टर कपिला वात्सन्य द्वारा प्राप्त कुछ प्रतिष्ठित सम्मान के नाम अगर हम डिस्कस करें तो संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप इनको मिला है, ललित कला अकादमी फेलोशिप मिला हुआ है और पद्म विभूषण से भी ये सम्मानित की जा चुकी हैं। तो वेटरन स्कॉलर ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस, ये क्या है, क्लासिकल डांस की जो है क्या है स्कॉलर रही थी कपिला वात्सन्य, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद अगर अगले न्यूज़ की बात करें तो वो आपको कल मिलने वाली है। अगर आपको क्लास आज की पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन हिट करते हुए जाइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं।